सब्जी प्रोड्यूस करता है 100%, अब कोई फैक्ट्री में नहीं बनता बीज, क्या है वो सब्जी वाला बीज हो तो बेंगलुरु में बनता है, और बाकी में मक्का का हो तो आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा में बनता है, और साहिदा साहब ने बहुत किया है, राजस्थान में बनने लगा। ऐसे कहने साहिदा साहब का कहने की ये है, किसान हर बीज का प्रोड्यूस करने का ठेकेदारी नहीं ले सकता है, उसमें प्रॉब्लम है, हर किसान बिजनेस नहीं कर सकता, अपने लिए व्यवस्था बीज के लिए कर सके वो बहुत बड़ी बात है, किसान के लिए अपना अगले सीजन में बनाना सोयाबीन का बोनी करना है, मक्का का संकर बीज का बोनी करना है, उस बीज उसको कैसा उपलब्ध हो सकता सस्ता के सस्ता का भाव में, वो मेन कंसर्न होना चाहिए अपने को। किसान के पास बहुत कैपेसिटी है, किसान का पूरा कीमत कभी नहीं मिलता किसी चीज़ में, क्यों नहीं मिलता, ये 2 रुपया पोटेटो बेचता है 10 रुपये का चिप्स खरीदता है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे भी हर चीज में है, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, आटा आटा गेहूँ बेचता है 15 रुपये में, आटा 40 रुपये पर किलो में लेके आता है, उसी का गेहूँ पीस के आता है आटा, मगर ये डिफरेंसेस रहेंगे, मिनिमाइज कर नहीं सकते जब तक लोकल इंस्टीट्यूशंस बहुत तगड़ा ना हो, किसान का फायदा होना चाहिए, और सरकार भी सोचती है, आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन सोचता है, मगर जो सब पॉइंट क्रॉप में बहुत आसान है किसान का, जो मध्य प्रदेश बेस्ट एग्जाम्पल, राजस्थान में भी जो साइजर साहब ने बहुत अच्छा काम किया हाइब्रिड बीज वगैरह का, लोकली प्रोड्यूस करके लोकली करने के लिए, उतना हाइब्रिड सीड का मार्केट बहुत फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, और थोड़ा ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है, ये सब चीज़ कौन करेगा, किसान एफोर्ड नहीं कर सकते। मैं एक हम अब जो बात कर रहे हैं किसानों की एम्पावरमेंट की और सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो हमको अभी तक का जो हमारा रिसर्च का पैटर्न है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी जो हमारे यहाँ बीटी कॉटन आया, तो बीटी में केवल हाइब्रिड ही विषय आया हम, जबकि बाकी देशों में उन्होंने उसके वैराइटीज़ पर काम किया, और जिसके कारण किसान की जो हम बात कर रहे कि वो अपना सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ सकता है। हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन में गेहूँ और चावल का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो कोई हाइब्रिड की विषय नहीं थी, तो उसके कारण हमको हमारा फोकस भी रिसर्च का इस प्रकार के वैराइटीज़ के तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। हमारे पास में है, सिलेक्शन के तरफ जाएंगे हम, जीनोम का भी उसमें उपयोग करते हुए जाएंगे, तो इस प्रकार की वैराइटी डेवलप करनी चाहिए कि जिसके कारण किसान की एम्पावरमेंट हो जाए, सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ चले, तो ये हाइब्रिड का और ये कोई रहेगा ही नहीं विषय जिसमें ज़्यादा टेक्निकल बातें लगती हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे पॉलिसी की दृष्टि से हमको इसका भी विचार करना चाहिए। राइस मिल के अंदर हाइब्रिड नहीं आए और मेज में बाजरा में कॉटन में हाइब्रिड आए हैं, उसका कारण है बहुत बड़ा, क्यों ये जल्द आपके अगर आप हैं तो, क्योंकि मैकेनिज्म ऐसा है जो क्रॉस पोजिशन जिसमें ज़्यादा होता आउट क्रॉसिंग वहाँ पर हाइब्रिड की पॉसिबिलिटी है, और इसलिए वीट राइस की वीट की देखो सीड रेट हो जाता है और हाइब्रिड आ भी गया है तो उसका जो है लेवल इतना नहीं है जो किसान महंगा पड़ेगा, इसलिए किसी राइस का भी यही है उसमें भी है, लेकिन राइस का हाइब्रिड अगर हमारा वेस्टर्न यूपी पंजाब हरियाणा में लाएंगे तो इसका तक नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एट पास बहुत एडवांस हो चुका है। अगर इसी का ईस्टर्न इंडिया में अगर ले जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उनकी वराइटियों की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, लो है। अगर आपने किसान को उठाना सीड एक माध्यम है, अगर आप अच्छी क्वालिटी के सीड के ऊपर कहेंगे इसमें ऑर्गेनिक होना चाहिए या हाइब्रिड नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आप किसान को नुकसान पहुँचाने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हाइब्रिड वहाँ जाएगा जहाँ हाइब्रिड की रिक्वायरमेंट है, हाइब्रिड के अंदर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसका जो रूट सिस्टम बहुत डीप जाता है, जब स्ट्रेस आ जाएगा तो बाजरा का हाइब्रिड राजस्थान में सर्वाइव कर जाएगा, अगर आप सिंथेटिक कंपोजिट लगा दी तो बाजरा एकदम मर जाएगा, वहाँ के किसान आपको ट्राई ट्राई बचाएगा, ना फूड मिलेगा ना कॉटन मिलेगा। ऐसे मेज की बात है, मेज का हाइब्रिड जो है ना उसकी रूट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आज तक हम कंपोजिट लगाते थे, 4 स्प्रे करते थे कई स्टेम बोर के लिए, जिस दिन से सिंगल क्रॉस हाइब्रिड आया किसान एक भी स्प्रे नहीं करता स्टेम बोर। अब एक बीमारी आ गया मेज के अंदर पूरे हिंदुस्तान में आने वाली है, वह फॉल आर्मी वॉ, जिसका सोल्यूशन नहीं है, क्यों यूएस हमें नहीं कहते कि बीटी टेक्नोलॉजी इंडिया में लाए, लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी कि आप सबको बैक कंट्रोल से कंट्रोल करें, लो इनकम कंट्रोल, आपको ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेटजी डॉक्टर करेंगे, आपको हाइब्रिड भी लगाना पड़ेगा। जब हम
जब हम बात कर रहे हैं कि किसानों के एम्पावरमेंट की सोचने की बात की बात कर रहे हैं, ये एम्पावरमेंट नहीं होगी, एम्पावरमेंट तभी होगा किसान सक्षम तभी होगा जब उसके पास में स्वयं का बीज होगा, और उस प्रकार से बीज को करना है तो हाइब्रिड से नहीं आ सकता है। फार्मिंग अलग है, जैसे सेल्फ रिलायंस ऑफ सीड अलग है, जो हाइब्रिड्स में जहाँ किसान के पास जानकारी नहीं है वो कभी सेल्फ रिलायंस नहीं हो सकता, बट वो डिपेंड करना पड़ेगा कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हाइब्रिड सीड कहाँ उपलब्ध होगा, कहाँ से लाना। बट ये मेन फोकस ये है जो किसान का सेल्फ रिलायंस कैसे बना दिया जाए, बाकी जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है कर ही सकता है, तो हाइब्रिड सीड सिस्टम से आएगा, कर ही देगा। मोनोपोली ना करे ना कंपनी पर भाई, और मोनोपोली क्यों ना किसान हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करे और आपस में बांटे, ये वो कर सकते हैं किसी भाई मोनोपोली मुझे ऐसा लगता है की इसको डिबेट करने उसमें ना जाए, सब अपने अपने अपना अपना सब You see, what we are mixing, organization issue, how to organize the production distribution, and then technology issue, what is good for technology. If it is a little bit separate, what is the right kind of organization required to make it available, what is the technology, and then the adjustment between the two. So then this discussion will become clear. Otherwise, you know, we talk about technology, which is right technology for farmers, and then we talk about organization, and then we talk about marketing. तो ये है कि इस प्रोसेस में हमें थोड़ी इतनी डिसिप्लिन रखनी चाहिए। ऑलमोस्ट सभी ये सोच रहे हैं, दो चार लोग अलग सोच वाले होंगे, नहीं तो और यही सोच रहे हैं कि फार्मर्स का एम्पावरमेंट हो, किसान के पास बीज के आधार बन जाए। फिर छोटे छोटे मुद्दों में हम एक दूसरे को कन्विंस करने के बजाय एक दूसरे को टॉलरेट कर ले तो वो थोड़ा एक बात ये है। दूसरी बात मुझे ये, और दूसरी बात प्रोसेस के रूप में फैसिलिटेटर का रोल रहता है कि आप अंगूठी खड़ी कीजिए और फिर जहाँ पे कहा जाए वो बोले, नहीं तो सीधा आर्ग्यूमेंट, तो इसे वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और ये जो टसल चल रही है भावना की है, जिसमें कई बार ये कहा गया है कि हाइब्रिड ने खराब कर दिया, और दूसरा एक विज्ञान है। एज ए टेक्निक हाइब्रिडाइजेशन इज वर्थ वेलकमिंग। किसान भी हाइब्रिड सीड पैदा करके एम्पावर कर सकता है, और इसलिए ये मत सोचो कि हाइब्रिड आ गया यानी किसान का एम्पावरमेंट खत्म हो जाए। ये गलत तरीका है विज्ञान के रूप में। आज भी ज्यादातर हाइब्रिड के सीड इस देश में किसान बनाता है। कॉटन के हाइब्रिड बीटी लीगल इनलीगल, आज भी आप आइए, आप राजस्थान के बॉर्डर, सावला जी के बॉर्डर के ट्राइबल्स है वो हाइब्रिड सीड बना रहे हैं। कॉटन के खिलाफ हूँ, मगर किसान के पास इस हर प्रकार की स्किल देने में कोई बड़ी बात नहीं। प्रॉब्लम विद द हाइब्रिड वॉज द क्राइटेरिया टू सिलेक्ट हाइब्रिड, हाई रिस्पॉन्सिव, हाई यील्डिंग, ये क्राइटेरिया न रख के, रेजिस्टेंस रख के, रूट सिस्टम रख के, बहुत सारे अलग क्राइटेरिया से भी हाइब्रिड डेवलप किए जा सकते हैं, हाइब्रिड दिए जा सकते हैं। हाइब्रिड डेवलपमेंट का हमारा विषय नहीं, आपका विषय आ गया, जैसे साईं साहब बोल रहे थे, इतने से बोल रहे थे कि किसान के हाइब्रिड बना सकते हैं, उनको देना चाहिए, वो दैट पॉइंट इज वेल नोटेड। ये है कि किसानों को, उन्होंने जैसे बोला था ना, किसानों को अगर हाइब्रिड बनाए तो हम बोलेंगे उनको ये भैया यही हाइब्रिड बनाओ, सारे के सारे, लेट नॉट देम टू डिसाइड व्हिच हाइब्रिड दे शुड बी, ठीक है ना, रेगुलेटिंग द सिलेक्शन। तो सिलेक्शन कुछ टेक्निकल लोग करके उनको बताएं कि ये हाइब्रिड आप बनाए, दैट वाज द इशू। दूसरा ये था, एक पॉइंट में वो छूट रहा है कि रेम्यूनरेटिव प्राइस कैसे किसानों को देंगे, वो बीज हम अपने प्रोसेस में ला सके, यानी ऐसा कुछ हो सकता है कि प्रायोरिटी उन्होंने जो बनाया बीज है वो पहले बिके बाद में दूसरों का बिके, या फिर दोनों का साइमल्टेनियस, या क्या वो इतने सक्षम हो पाएंगे कि हमारा ऐसा सोसाइटल स्ट्रक्चर हम कुछ बना सकते हैं क्या, कि जिनमें उनकी जो सीड बनाई है उसकी क्वालिटी मेंटेन हो और दे शुड बी गिवन फ्री प्राइस।
उसके लिए व्यवस्था किया गया है, अभी भी है। जैसे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने कह दिया पहले स्टेट है, जैसे यूनिवर्सिटी से ग्रेडर सीड सप्लाई करते थे सब्सिडाइज करके। एक्चुअली कंट्री में कई फार्मर्स के लिए ग्रेडर सीड सब्सिडाइजेशन सब्सिडी दे के दे देते, बट हम लोग जैसे एक फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड फेडरेशन एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मानते हुए जितना भी बीज किसानों को सोसाइटीज को उपलब्ध कराना है वो प्रिजनिक बीज सप्लाई करते थे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से अलाट कराते थे सोसाइटीज को एंड वो पूरा 100% भारत सरकार का सब्सिडी उनको पास ऑन करते थे। वो लोग अपने बीज आगे फाउंडेशन से और प्रमाणित बीज तैयार करके प्रोड्यूस करके उसका भी प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग सब्सिडी आज तक भी मिल रहे हैं। भारत सरकार का जो भी प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग सब्सिडीज निर्धारित किया गया है गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए जो पब्लिक ब्रेड हाइब्रिड्स वेराइटीज के लिए, और वो सब्सिडी अभी भी प्रोडक्शन मार्केटिंग सब्सिडीज प्रमाणित बीज में आधार बीज में मिल रहा है, ग्रेडर सीड में अभी भी हम लोग उनको ये फैसिलिटी दे रहे हैं। जो हर स्टेट में इस तरह का फैसिलिटेट करने से ब्रिजनिक बीज जो कम भाव में उपलब्ध हो जाएगा उसका प्रोडक्शन आधार बीज और प्रमाणित बीज बनेगा, लोकली प्रोड्यूस करेगा, उसमें कास्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। सर्टिफाइड सीड का जो भारत सरकार जो निर्धारित करेगा उसी रेट में भेजेंगे और उसमें भी मार्केटिंग प्रोडक्शन सब्सिडी दोनों उसको किसान को मिलता है। फायदा होने का यही तरीका है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, व्यवस्था है, वो किस तरीके का अपना उसको लागू करेंगे जो उस लोकल सेशन उस तरह का एडवांटेज मिलता है, उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। जैसे तो एक वन मोर पॉइंट है सर, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जो कुछ लोग सभागार में जैसे हाइब्रिड्स का प्रोड्यूस कर सकते हैं किसान, अल्टीमेटली 100% सीड देश में किसान ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ बीज वो लोग रख लेते हैं बोने के लिए, बाकी चीज जिसका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया उसको दे देते हैं, अपने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर किसान हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बहुत से हाइब्रिड को प्रोड्यूस करना है, स्कैस स्किल डेवलपमेंट है, इसके लिए प्रशिक्षण वगैरह लगता है, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए इंडिया में और ऑलमोस्ट साउथर्न स्टेट्स में कर्नाटका आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल राजस्थान देश के बीच के लिए बहुत जगह ऑलरेडी ग्रुप ऑफ विलेजेस है, किसान फायदा ले रहे हैं। जैसे करीमनगर से जो आप कह रहे थे आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं और एक निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से, और ये विलेज ऐसी है 90% बीज सुदान ग्रास का प्रोड्यूस करते हैं, दुनिया में ऐसी कोई गाँव नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई गाँव नहीं है कोई कंट्री में, वो लोग पूरा कम्युनिटी है। आप रहने सहने देख लो, मकान देख लो, कम्युनिटी मैनेजमेंट देख लो, बच्चों में शादी वादी सब करते हैं सब मिलकर, वो बहुत यूनिक मॉडल है वर्ल्ड के लिए, ऐसे नहीं बना सकते हैं। सेक्शन में क्षमता है, ऑर्गेनाइज होना, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाना कुछ ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, एंड वो लोग बिजनेस कंपनीज वाले को एग्रीमेंट करने के पहले टर्म्स डिक्टेट करते हैं, तुम लोग स्टेट में हो तो अंदर घुसो नहीं तो गेट आउट, हमारे गाँव में घुसना नहीं है, ये अपॉइंटमेंट नहीं है, ये लाना चाहिए। जितना भी किसान है वो अपना यूनाइटेड होकर करने से अपॉइंटमेंट हो सकता, आप सोचे कि आप हम जाके अपॉर करेंगे, ये नहीं होता। आप किसी को बताइए कोई और नहीं है सर, मैं आर के त्रिवेदी नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सर, मेरा एक मानना है कि शायद किसान को एम्पावरमेंट हमारा सबसे बेसिक इश्यू होना चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज टोटली बेस सीड इंडस्ट्री का वो किसान ही है, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे एंड हो, दोनों पॉइंट तो वहीं मीट करना है। और इसमें दो इश्यू मेरे सामने हैं, एक तो ये कि जो आपने प्राइसिंग का किया है, तो प्राइसिंग का फैक्टर सर बहुत इम्पॉर्टेंट है किसान के लिए, वो इसलिए होता है क्योंकि एक तो वो है कि जब वो सीड प्रोड्यूस करते हैं तो उस सीड को प्रोड्यूस करके जब वो इंडस्ट्री को दे तब भी उन्हें प्रोक्योरमेंट के लिए पैसा जो है सही कीमत मिलना चाहिए, दूसरा जब उनको मिलना है सीड उसकी भी कीमत सही मिलना चाहिए, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना है। तो मेरा सर ये मानना है कि अभी जैसे हमारे भारत सरकार के अंदर एक प्रोविजन है कि ब्रीडर सीड जो है वो सप्लाई किया जाता है सीड्स ऑर्गेनाइज सीड सेक्टर को, वो डायरेक्ट शायद किसान को अभी अब नहीं देते हैं, तो ये भी एक इश्यू है कि अगर किसान चाहे कि अपना खुद का सीड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो चाहे 4 से 8-10 किसान हैं उन लोगों को भी ब्रीडर सीड मिलना चाहिए, और ब्रीडर सीड को थोड़ा सा उसकी क्योंकि आजकल ब्रीडर सीड के रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गए, खासकर पब्लिक ब्रेड वैराइटीज में सर हमें भी इंडस्ट्री को भी एक प्रॉब्लम फेस करना है कि
कि आजकल जो इवन पब्लिक ब्रेड वैरायटीज है इसको भी लाइसेंस फीस कुछ यूनिवर्सिटी वाले मांग रहे हैं और कुछ हायर रेट्स पे ब्रीडर सीड को चार्ज कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब ब्रीडर सीड का प्राइस बहुत ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली व्हेन इट गोज टू द फार्मर उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर कुछ किसान का ग्रुप जाता है तो उनको या तो उसमें इस तरह का रियायत रखा जाए कि उस बीज को थोड़ा सब्सिडाइज करके दिया जाए ताकि वो अपना खुद मल्टीप्लाई करके जब बेचे अपने आप को जब अपने किसान ग्रुप को दें तो वो कीमत उनको उनको ज़्यादा नहीं लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है, इसको हम कलेक्ट करें किसान भारत सरकार के लेवल पे भी कि अभी तो सिर्फ या तो NHAI के थ्रू इंडेंट एक्सेप्ट होते हैं या फिर जो पब्लिक सेक्टर है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। तो किसानों के लिए अभी कोई ऐसा डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है कि ब्रीडर सीड वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं और अगर फार्मर्स ग्रुप है तो कैसे लेंगे। और तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे सीड इंडस्ट्री के लिए भी जरूरत है और किसानों के लिए वो है मीडियम और स्मॉल सीड इंडस्ट्री। सर हमारा फोकस होना ये चाहिए कि जितनी मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री है सीड इंडस्ट्री उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पावर करें उनको ताकि वो क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे तो छोटे डीलर ही किसान के पास पहुँच पाते हैं, छोटी कंपनियाँ पहुँच पाती हैं। तो इन कंपनीज का भी नेटवर्क को थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाए और किसान खुद सीड मल्टीप्लाई करें इस तरह से एजुकेट किया जाए ताकि ताकि उनका किसानों को जरूरी नहीं कि वो बहुत कमर्शियल लेवल पर बीजों को उपलब्ध कराए, वो अपने लोकल एरिया में इसे एक किसान जो थोड़ा सा वो सीड प्रोडक्शन ले ले और अपने आसपास के जो नेबरिंग किसान है उनको उसको सीड को सप्लाई करना शुरू करें। तो इस तरह का कोई प्रोग्राम किया जाए और एक भारत सरकार की स्कीम है सीड विलेज स्कीम, वो सीड विलेज स्कीम को थोड़ा और ज़्यादा स्टैंडर्ड करके हर गांव में, अभी तो क्या है लिमिटेड, हर गांव के अंदर एक प्रोसेसिंग प्लांट हो जहाँ किसान खुद अपना सीड ले प्रोसेस करे और उसकी क्वालिटी टेस्ट करे, एक लेबोरेटरी जरूर स्टेब्लिश किया जाए ताकि वो अपने बीज की गुणवत्ता भी जांच ले। क्योंकि तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो किसान बीज उत्पादन करेगा उसका गुणवत्ता भी होना चाहिए। तो ये दो तीन ऐसे इश्यूज हैं जिनको अगर हम पूरी तरह से फ्लैग करें तो डेफिनेटली किसान का एम्पावरमेंट भी होगा, देश के एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी होगी और साथ ही सीड इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। थैंक यू सर। एक ये प्राइसिंग के संदर्भ में कल एक विषय आया था कि किसानों से प्राइवेट कंपनीज जो सीड मल्टीप्लाई करवाती हैं, सीड प्रोड्यूस करवाती हैं, तो एक जगह का इशू आया था कि दे विल पे 85 रुपीस पर केजी एंड द सेम सीड इज सोल्ड एट 600 रुपीस केजी इन द मार्केट। तो क्या बाई रेगुलेशन हम कुछ परसेंटेज तय कर सकते हैं क्या कि जो MRP रखा जाएगा उसका 1/3 प्राइस शुड बी पेड टू द फार्मर सो दैट ही गेट्स रेम्यूनरेटेड प्राइस, ये रेगुलेशन के माध्यम से हो सकता है क्या? सीड एसोसिएशन के लोग भी हैं यहाँ पर तो दे शुड आल्सो थिंक अपना कंट्री में जो कम्युनिटी जो सीड मार्केटिंग में प्राइस कंट्रोल कोई नहीं कर सकता ना एरिया कोई डिसाइड कर सकता जितना एरिया में इस बार के मक्का लगा दो इसी एरिया में इतना एरिया में धान लगा दो कोई भी रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है ऐसा। प्राइस के लिए भी आप लोगों को मालूम है डीटी कार्टन का प्राइस डाउन करने में साथ चीफ मिनिस्टर को मैसेज भी दिया ऐसी कोई बात नहीं है। आई शुड नॉट टॉक अबाउट दोस थिंग्स और उसको जैसे रेगुलेटरी सिस्टम में ला नहीं सकता वो चीज़ वो किसी का जो बिजनेस करने के लिए प्राइस का सिचुएशन आप डिसाइड नहीं कर सकते गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम है अपना कंट्री में। और कम से कम जो अच्छा किसान लगाएगा सीड को तो उसकी पैदावार सीड से 4 गुना तो होगी कम से कम। तो हमने 4 टाइम प्राइस कर दिया तो फार्मर से सीधा 50 रुपए किलो लिया राशिद लिया अनग्रेड बिल्कुल। और वो सीड हमने स्टेट सीड कॉर्पोरेशन को नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का वो ग्रेडिंग करेंगे प्रोसेसिंग करेंगे ट्रीटमेंट करेंगे और पैकिंग करके फार्मर को अच्छी तरीके से 10-15% सीड जो है ना फिल्टर हो जाते हैं। हमने ये सीड सर्टिफिकेशन वालों को कहा भी है कि आप अपने सीड सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड भी रिवाइज करो क्योंकि पहले जमाना था OPV का कंपोजिट वैरायटी का डबल क्रॉस था तो 10-20% जो सीड फिल्टर होता है वो नहीं जाना चाहिए सिंगल क्रॉस हाइब्रिड में क्योंकि 100% सीड जनरेबल होता है फ्रेश सीड होता है। और उसके बाद क्या हमने 52 रुपये लिया 50 रुपये किसान से लिया और NSC सीड कॉर्पोरेशन को कहा कि आप पैक करके गवर्नमेंट ने उसको पैक किया 107 रुपये में और फार्मर को फ्री दी 100% सीड वर्क पेट्रोल का
और सीड का कॉस्ट इस तरीके से वर्कआउट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बढ़ती है सीड में, टाइम भी ज़्यादा लगता है, केयर भी ज़्यादा होती है और मैनेजमेंट भी होता है, इसलिए सीड का एटलीस्ट कमर्शियल क्रॉप से 4 to 5 times ज़्यादा होगा तो होगा। जैसे हम क्या गवर्नमेंट स्कीम 10 रुपये है, 10 रुपये से क्या होगा, 10 रुपये किलो आपने सब्सिडी दी किसान को और ईल्ड उसकी राइस की होती है 40 क्विंटल से किसान की, बीज होगा 1 टन पर हेक्टेयर पर 4 क्विंटल, तो उसको कैसे सीड इकोनॉमिकल होगा, तो फिर तो कंपनी वाले बनाएंगे तो उनको अपनी मोनोपोली का प्राइस देना पड़ेगा और मोनोपोली का प्रोडक्ट भी आपको देना। जो फार्मर को बेस से बनाया जाए, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में आप ब्रीडर सीड दे सकते हैं, किसान मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में आई डिफर डॉक्टर जाएंगे, कई बार कहते हैं अपने ओपिनियन दे नहीं दो, अगर देंगे तो आपको हाइब्रिड की लाइफ वही खत्म हो जाएगी, आपको सिर्फ क्रॉस सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप का ब्रीडर सीड दे सकते हैं। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के लिए ब्रीडर सीड किसान को दे दिया तो पहले ही साल हाइब्रिड का मर्डर हो गया। जब फार्मर्स एम्पावरमेंट और प्राइसिंग की बात आ रही है तो पीपी के ने फार्म अथॉरिटी के अंदर दो बड़े इम्पोर्टेंट प्रोविजन है सर, लेकिन ये है कि फार्मर्स राइट्स, तो उस फार्मर्स राइट्स में जो फार्मर्स वैराइटीज रजिस्टर्ड हो जाती हैं, ऐसा देखा गया है कि तकरीबन 80-90 वैराइटीज या 100 से ऊपर वैराइटीज फार्मर्स वैराइटी रजिस्टर्ड की है, पर हाँ पर उन वैराइटीज का सीड मल्टीप्लीकेशन सर नहीं हो नहीं रहा है, मुश्किल से कोई 1-2-3 वैराइटी ऐसी होगी जो किसानों के पास कमर्शियल वो मेवे आए, तो ऐसा कुछ को नहीं प्रयास किया जाए कि जो वैरायटी रजिस्टर्ड है, जो फार्मर्स वैरायटी के नाम पर रजिस्टर्ड है उसको कोई स्पेशल एक मिशन के तहत उनका सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम करवाया जाए और जिस स्पेशल कैरेक्टर के लिए, जिस स्पेशल काम के लिए उस वैरायटी को रजिस्टर्ड किया गया है उस काम के लिए वो वैरायटी का अवेलेबल किया जाए। आज से देखा तो बहुत कम किसान जानते हैं कि कितनी वैरायटी फार्मर्स रजिस्टर्ड है और कितने का सीड अवेलेबल है, तो ये सब थोड़ा सा अथॉरिटी के को अगर इस तरह का कार्य करने के लिए अवसर दिया जाए। जब भी अगर सीड की प्राइस एग्जॉर्बिटेंट हो, जो हम एक प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, अगर लगता हो कि बीज बहुत ज़्यादा महंगा जा रहा है या बीज की उपलब्धता नहीं हो रही है, तो वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है पीपी के रेफार एक्ट में, तो शायद इसके बारे में किसानों को जागरूक किया जाए कि भाई अगर कहीं भी उन्हें लगता हो कि उन्हें किसकी जो बीज है वो बहुत महंगा बिक रहा है, तो वो अथॉरिटी को अप्लाई करके वो या तो वो वैराइटी पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए और फिर उसको फिर अथॉरिटी को अप्लाई करके कहेंगे कि बीज का भाव बहुत ज़्यादा है, हमें इसे कम भाव में उपलब्धता किए जाए, शायद इस प्रोविजन से भी किसानों को काफी राहत मिल सकती है। किसान भाई आप कुछ कहना चाहते हैं जी इसके संबंध में, अपने स्वयं बीज ऐसा भरपूर्ति कर सकते हैं गांव में अपने खेती करने के लिए, क्या व्यवस्था चाहते हैं, क्या समस्या है अभी सिस्टम में, क्या सुधार चाहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं दुकान से लेके, अगले बार हम उस बीज को अपने पास रखते तो वो हाइब्रिड का काम करेगा या रोको बीज बन जाएगा, वो नहीं करेगा। 75% तो देगा उत्पादन नेक्स्ट ईयर भी, कम होगा, पहले से कम हो जाएगा, उसमें ऐसा क्या किया जाए कि जो वो भी हमारे पास है उसमें ऐसा क्या किया जाए कि वो कोई काम करे, पहले सरवाए काम करे, वो दूसरी बार खरीदा जाए, सरकारी दुकान से धान का बीज लेके आया, 3-4 रुपए की बात होगी, बासमती का बीज लेके आया, मार्केट में जो उसको जो फसल में तैयार होगी उसमें कोई रोग नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया फसल तैयार होगी, उसको मार्केट में ले गया
तो 1400 रुपए का कुछ हम बेच दो है हाई क्वालिटी बोली तो नहीं थी और पीछे से वो दो चेक लोग थे उसको दाने को मुंह में दबा दबा के दबा रहे थे और पीछे से एक बोल दिया बोला ये तो पीवन है और वो बोली तो 1400 गई हुई 400 लगा के छोड़ दी और 400 रुपए तो चेक करके उसको पूरी कर दी तो इस बात की हमको क्या पता होगी जो सरकार के ऊपर से की थी मैंने उनको बोला कि सरकार के ऊपर से की लेकर आया बासमती का बीज नजर आई लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं करी और वो 400 का जो बिल बिक्री भेज दिया पूरे लाख उसकी पर हम कैसे करें हमारी ये बीज कौन सा है ये दुकान में क्या मिलता है वो क्या देता है वो कोई भरोसा नहीं है इसलिए आज आज कॉन्फ्रेंस किया है सब लोग सोच के ये कैसी सोच रखा है किसान को सक्षम कैसा बनाए सही बीज एक आप गांव में बीज उगाओगे एक साल पहले देखोगे जो कौन सा किस्म है क्या है उसमें सुगंध आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे अपने को उपयुक्त है क्या नहीं है तभी उससे खरीदोगे ना सोसाइटी से और नहीं तो दुकानदार के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको इस तरह की व्यवस्था जाते हैं हम लोग वही इसमें सुझाव जाते हैं वही बात बोल रहे जी अब की बार में सरपति लगाया और सरपति को मार्केट में लेकर आया तो आप शेष लोग उनको प्रदान कर ये तो पंजाब नंबर वन है ये सरपति ये तो पंजाब नंबर है तो कोई दिक्कत अब की बात गिरा गई सुनिए जो किसान अपना प्रोड्यूस मार्केट में ले जाता है मंडी में उसके पास मंडी में वो आती है वो कितना बेवकूफ बनाते हैं क्या प्राइस देते हैं हम अपने उसका उसका सोल्यूशन अभी निकाल नहीं सकते अभी आज का प्रोसेस ये है आपको बीज उपलब्ध कराने में किस तरह का इस देश में व्यवस्था होना चाहिए उस व्यवस्था से आपको सस्ता से सस्ता भाव में अच्छा गुणवत्ता वाला बीज जो वो दुकानदार को ऊपर निर्भर ना हो दुकानदार भी क्या करेगा 10 कंपनी का डीलरशिप लेता है उसको ज्यादा मार्जिन हो वो आपको डेटा देता है आपसे लेना देना कुछ नहीं उसको जो वियतनाम लेकर जाएगा उसका बीज बेचता है तो ज्यादा कमीशन देता है उसका बीज बदले सामने रखता है दुकान में तो ये बच्चा बढ़िया है ये इस तरह का व्यवस्था थोड़ा ब्रेक करेंगे थोड़ा सा अपना सक्षम बना दें किसानों को उसको उसका हिसाब से उसका भाव भी कम भाव में मिलेगा दूसरा गुणवत्ता का इंश्योरेंस रहेगा आने वाला फसल का भी गारंटी रहेगा साल पहले देख भी सकते हैं आप कब से बीज उगाने वाला अगले साल ये सब चीज के लिए व्यवस्था आपको भी सुझाव चाहते हैं किसान भाइयों से जो आपने समस्या बताया बिल्कुल सही है वो समस्या का कम से कम कैसे कम कर सकते हैं इस चीजों को उसके लिए आज ये दो दिन का वर्कशॉप है स्पेशली फार्मर जो किसान को जो बीज है बहुत बड़ा सेगमेंट में 60-70% है 60-70% तक है तो उसमें गुणवत्ता बनी तो पहले आपका पास बीज भी रखता है खुद का उसका गुणवत्ता करने के लिए आपके पास क्या है व्यवस्था आपके पास कोई व्यवस्था नहीं अंकुरण हो सकता नहीं हो सकता उसमें कितना परसेंट अंकुरण होता है गुणवत्ता वाला बीज है कि नहीं है वो क्वालिटी पैरामीटर्स बीट आउट पूरा प्रपत्ति करता है कि नहीं वो बीज बोने के लिए इस्तेमाल करने वाला बीज आपके पास बचा के रखा है किसान बचा के रखने वाला बीज भी बहुत है खरीदता तो छोड़ो खरीदता है तो दो तीन साल इस्तेमाल करता है 4 साल इस्तेमाल करता है वो भी 10 साल उसको क्वालिटी टेस्टिंग कैसे कर पाता है किसान नहीं कर पाता उसके लिए गाँव में क्या व्यवस्था है साफ सफाई का क्या व्यवस्था है बीज का बीज का सीड ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार है बेरिस्टिन वगैरह से जो लगाते हैं उसको उसका क्या व्यवस्था है ये सब चीज का बारे में सोचने का बात है ये पॉइंट नहीं है लेकिन आप एक व्यवस्था करते हैं किसान उस डीलर के पास जाने के बजाय वहाँ पर भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वहाँ पर भी एटेक का केंद्र है कृषि विज्ञान केंद्र से अगर वो बीज मिल रहा है तो आप वहाँ से लाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जो वेरायटी कही जा रही है वही मिलेगी मतलब उसमें गड़बड़ नहीं होगी कि आपको कहा तो बासमती का निकल गया दूसरा आपको दे दिया कि ये तो पंजाब वन है या दूसरा निकल गया कम से कम जो बीज आपको कहा जाएगा वही मिलेगा इतनी से थोड़ी सी कष्ट उठा करके अगर आप वहाँ से लाएंगे तो आपको गुणवत्तापूर्ण बीज मिलेगा निश्चित सर उनके पास में गुणवत्ता मार्केट में बहुत प्ले होता है क्वालिटी अच्छी है सब कुछ अच्छा है ठीक है लेकिन आड़ती लोग ऐसा करते हैं मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप केवीके से लेके आएंगे यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय की एटिक से लाएंगे तो आपको सही बीज मिलेगा तो थोड़ा समय पे चेतने वाली बात है कि आप समय ध्यान दें उससे किसानों के सुझाव मांगे बिल्कुल इसलिए मेरा सुझाव है एक विशेष एरिया का चयन किया जाए वहाँ जहाँ मेहनती किसान है उनकी एक सोसाइटी बनाई जाए और उस सोसाइटी में वैज्ञानिक भी रहे
यानी वैज्ञानिक के मार्गदर्शन में सोसाइटी बना करके वहाँ बीज पैदा किया जाए और उसका फिर थोड़ा एरिया में प्रयोग किया जाए और प्रयोग करने के बाद यदि उससे अच्छे परिणाम आए तो उन सोसाइटियों की संख्या और बढ़ा करके बीज की मात्रा बढ़ाई जाए ताकि प्रत्येक किसान को वही गांव में सोसाइटी के माध्यम से बीज मिल सके। ऐसा मेरा मध्य प्रदेश में जो ये जो सोसाइटी के माध्यम से जो ये जो किया है ये छोटा मोटा काम नहीं हुआ है। ये उसमें चूंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ और राव साहब ने वहाँ 30 ईयर्स बिल्कुल फील्ड में जाकर के काम किया है और आज आपको बता दूं मैं ये मैंने कहने में मुझे कोई वो नहीं लग रहा है कि वहाँ किसानों को सीड मिलना कोई प्रॉब्लम है ये मालूम ही नहीं है। और ये सारे देश एक्चुअली ये पोजीशन आज आ चुकी है कि सीड क्या होता है उसके लिए परेशान होना पड़ता है, दूसरे स्टेट में किसान परेशान होता है ये वहाँ के किसान को बात ही नहीं मालूम है। वहाँ अवेलेबल है क्योंकि हर गाँव गाँव में सोसाइटियाँ बनी हुई है और वहाँ अवेलेबल है वहाँ बीज। तो किसान एक्चुअली हम लोग चूंकि एक फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं तो एक्चुअली किसान क्या चाहता है वो मैं बताना चाहता हूँ। वो ये चाहता है ये जो है ना जैसा टर्मिनेटर सीड होता है वो हाइब्रिड भी लगभग उसी लगभग मतलब कि आपको हर बार नया लेना पड़ेगा। तो वो एक्चुअली किसान ये चाहता है कि हमको जो भी आप सीड दें चाहे हाइब्रिड दें चाहे जो भी दें लेकिन हम उस बीज से हम अपना बीज स्वयं तैयार कर सकें, ये उसकी मानसिकता है। वो ठीक है बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता होगा, हम हाइब्रिड के अगेंस्ट में मैं बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो क्या चाहता है किसान कि उसका खुद का बीज मिल जाए और नहीं है तो मेरे को पड़ोसी किसान से अच्छा बीज मिल जाए इजीली अवेलेबल, मुझे बहुत दूर ना जाना पड़े वहीं कहीं हमको। वो आपने किया है मध्य प्रदेश में, मतलब पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल नहीं है वो चीज़, वो आपने करके दिखाया है, वो सारे इसमें सारे सब जगह पर किया जा सकता है। इसी को हम प्रमोट करें ऐसा ऐसा हम लोगों का विचार है, उसमें दिक्कत ना आए अभी भी बाकी जगह बहुत दिक्कत आ रही है। उसका अलग से प्रयोग करें और उसको भी हम मेंटेन करें तो दोनों लाइनों पर हम काम करें, हाइब्रिड बनाए और परंपरागत से जो बीज परिस्थिति के अनुकूल पैदा हो रहा है उत्पादन भी अच्छा है उनको भी करें और उनमें चयनात्मक प्रजनन करके उस बीज को भी आगे बढ़ाएं। अच्छा सुझाव। हाँ सेलेक्टिव करें उसको, हाइब्रिड एक करें, दूसरा जो परंपरागत रूप से बीज बताया उसमें सेलेक्टिव करें, जैसे बाजरा है जिसमें अच्छी बाली आ रही है और दूसरा चीज है उनका चयनात्मक प्रजनन करके उसको भी आगे बढ़ाए, केवल हाइब्रिड पर निर्भर नहीं करें तो दोनों यदि हम लाइनों में चलेंगे तो उसका सुफल मिलेगा, अच्छे परिणाम आएगा। आखिरी सुझाव बहुत अच्छा, एक तो कहीं पे ये अगर सुझाव आगे जाने वाले हैं या हमारी पॉलिसी में तो आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द सीड सेवर्स इन ईच एंड एवरी तालुक ईच एंड एवरी विलेज, उसका एक पूरा प्रोग्राम सरकार को चलाने की आवश्यकता है। ऐसे किसान बहुत मिलेंगे, कुछ ना कुछ ना कुछ तरीके से रिकग्नाइज किया जाए, कुछ ना कुछ उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, आप प्रयोग करो आपको हम कुछ पैसे से या और तरीके से मदद करेंगे, ऐसी एक व्यवस्था अब करने का समय आ गया। दूसरा है CSR का जो मुद्दा है, उसमें उन्होंने 8-10 ऐसे मुद्दे लिखे हुए हैं जिसमें कोई भी कंपनी CSR के पैसे इस्तेमाल कर सकती है। मुझे लगता है इसी के अंदर लोकल सीड सेविंग का पूरा मुद्दा लिखा जाए तो वो एक आवश्यक है, वो कॉमर्स मिनिस्ट्री से करवाना पड़ेगा, जैसे जंगल ट्री प्लांटिंग सब कुछ है उसी प्रकार से सीड सेविंग। ये कल की बात आई थी कि किसान आज के कानून से अगर वो लेबल नहीं करता है तो बेच पाता है, मुझे लगता है कि जब कंपनी बन जाती है या कोऑपरेटिव बन जाती है तो वो किसान नहीं है वो नहीं कर सकता, तो वो सीड एक्ट में कहीं से भी कैसे भी किसानों के गुटों को जैसे आज और भी कई जगह पर अपने हमने FPO बना दिया तो कुछ प्रकार के प्रावधान है उनको छूट मिलती है, तो किसान के गुटों को सीड एक्ट के जरिए इस प्रकार का प्रावधान दिया जाना चाहिए। FSSI में भी ये हो रहा है कि जहाँ पे आपको कानूनन कुछ प्रकार के रेगुलेशन में एग्जेम्पशन मिलते हैं, ऐसी एक पूरा लिस्ट बनाया जा सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि ये पुश मार्केटिंग है ना, जो हमने वो एक अलग टास्क फोर्स में भी लिखा था, अब ज़्यादा पेस्टिसाइड बेचो तो आपको इनाम मिलेगा, आप ज़्यादा खाद बेचो एक जो चीज़ यानी आप कर ये भी हो सकता है ना कि ज़्यादा दारू बेचो ज़्यादा अफीम बेचो तो भी आपको यूरोप का ट्रिप मिलेगा ना, ऐसा भी हो सकता है।
तो कानूनन उसको बंद किया जाना चाहिए, कंपनियों को ये कहा जाना चाहिए यू कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, वो पेस्टिसाइड और बीजों के दोनों के विषय में, वो देश के लिए गलत काम के लिए इनाम मिल रहा। और ये पीपीवी एफआर एक्ट में भी आप शालिनी भूटानी से एक छोटी सी मीटिंग हो जानी चाहिए, इतने सारे मुद्दे हैं और एक किसान के लिए बनाया गया मगर ज़्यादातर साइंटिस्ट और कॉर्पोरेट कंपनी वाले उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। खोबरा गड़े का पूरा केस देश भर में आ चुका है, हर साल उसको रिन्यू कराने के लिए 3,000 रुपये किसान को देने पड़े। एक कानूनन पीपीवी एफआर एक्ट में भी कुछ फर्क करने की आवश्यकता है, इसके ऊपर गौर से ध्यान दे के हर एजेंसी के साथ काम करवाना पड़ेगा। सही में किसान को कितना फायदा हुआ? नहीं हुआ, उस कानून का दुरुपयोग नहीं, नहीं हुआ है। मगर जैसे द्विवेदी साहब जो कह रहे हैं ना, जैसे उसमें रजिस्टर्ड वेराइटीज का भी जो कमर्शियली एक्सप्लॉइट करके जो उसको बीज बनाना और किसान को पैदा दिलवाना जिसका वेराइटी से रजिस्टर्ड है, ये सब चीज बिल्कुल हुआ नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर ध्यान रख के, एक ही मुद्दा साथ में, जैसे सीड एक्ट में सीएसआर में वैसे जीएसटी और इनकम टैक्स में, मगर किसानों ने गुट बना दिया और 2.5 लाख से ऊपर अगर उनका इनकम हो गया तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हर जगह पे काम करवाने से ही सही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप। किसानों का दो तरह का हो सकता है, जैसे आपने कहा जैसे वो लेबल वेबल नहीं लगाएगा, अपना प्रोड्यूस करके मार्केट करेगा सेलिंग के लिए, अभी भी नहीं है आगे भी नहीं है कोई भी एक्ट आ जाए अपना कंट्री में। फार्मर्स क्या उसका हक है, जो बीज आप तैयार करेगा वो जो बिना लेबल का आप किसी के भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो गुड बन जाएगा तो उसका भी टैक्स लगने लगेगा, सोसाइटी होने लगेगा, वो बिजनेस बन जाएगा। चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि कम्युनिटी का संगठित उपयोग हो और कॉम्पिटेंट 50% 60% तक गया। मुझे लगता है कि आपना ये जो सेशन काफी अच्छा डिस्कशन हो रहा है, 11:30 बजे हमारे डीजीआई सेक्रेटरी साहब के साथ हमारा ये है संपन्न का प्रोग्राम चालू होगा, आधे घंटे के लिए हम ब्रेक लेंगे चाय के लिए सेशन के बाद, उसके बाद कंक्लूडिंग सेशन शर्मा जी का धन्यवाद देता हूँ। हम 11:30 बजे फिर यहाँ समझते हैं कि वापस हमारे लिए पॉजिटिव चाय जल्दी। उनके साथ भारतीय किसान संघ के महामंत्री बद्री नारायण जी, ये राजौंदी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राजन गोवकर जी और भारतीय एग्रो इकोनॉमिक के महामंत्री श्री कोमल जी चौधरी अपना मंच पर आसन ग्रहण करें। जलपत राव जी, आप सबका स्वागत नमस्कार। जैसा कि विदित है कल सवेरे से भारतीय एग्रो रिसर्च सेंटर नई दिल्ली के तत्वावधान में और जीएच रायसोनी यूनिवर्सिटी चौधरी चौधरी चरण सिंह हरियाणा यूनिवर्सिटी भारतीय किसान संघ के साथ एक 2 दिवसीय बीच पर जो कार्य सत्र चल रहा है आज का उसका अंतिम और सत्र में अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं। 2 दिन हमारा जो चर्चात्मक कार्यक्रम रहा वो पूरी तरह से चर्चात्मक ही रहा है, हमने इसमें किसी को ऐसे प्रॉस्पेक्ट प्रेजेंटेशन जैसे आजकल की विधा बन गई वो छोड़ के हमने सब किसानों को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हमारे साथ मंत्रालय के आईसीआर के अधिकारी भी थे, सबको मिल के हमने कुछ मंथन किया है 2 दिन का और उसकी हम आज फाइनल रिपोर्ट भी अपनी इस सत्र में देंगे। आज के समापन सत्र में हमारा अवभाग्य है कि हमारे साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी उपस्थित हैं। आप सभी को विदित है कि ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महामंत्री महानिदेशक का जो पद है ये अपने आप में किसानों से जुड़ा हुआ पद है। वैसे तो ब्यूरोक्रेसी में आता है डीआर के सेक्रेटरी भी होते हैं लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा पद है कि जो किसानों से ज्यादा जुड़ा है, जो किसान मानते हैं कि हमारे प्रतिनिधि के रूप में डीजी हमारे यहाँ उपलब्ध होते हैं इसलिए सारे किसान कार्यक्रमों में वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि महापात्रा सर राइस ब्रीडर में जाने माने पूरे विश्व में प्रसिद्ध है
और किसानों की बीज को संरक्षित करके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का जो रिकॉर्ड ऐसे में बना है उसके वो स्वतः एक भाग रहे हैं। तो सारे किसानों की समस्याएं आज तक उनके आज तक के कार्यकाल में उनको अच्छी तरह से विदित है और हमारे एक अनुरोध पे वो अपना कार्यक्रम पहले तो इनॉग्रेशन में आने वाले थे लेकिन कुछ तब्दीलों के कारण उन्होंने कहा लेकिन मैं जरूर आऊँगा। तो आज वो हमारे साथ पधारे हैं। मैं महामंत्री प्रमोद जी से निवेदन करूंगा कि उनका पुष्पगुच्छ लेकर मंत्रालय में अलग अलग स्तर पर जो चिंतन हो रहे उसकी भी जानकारी थी और कुछ किसानों में ने अपनी बातें रखी है। तो मैं भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के महामंत्री श्री प्रमोद जी से निवेदन करूंगा कि एग्रो इकोनॉमिक के बारे में 5 मिनट बता के आज जो 3 दिन जो 2 दिन सत्र चले हैं 3 दिन का संक्षेप में महोदय को परिचय करवाए और हमें उस सजेशन को आगे कैसे बढ़ाए जो उस तरह से मार्गदर्शन करें। श्री प्रमोद जी आज के समापन कार्यक्रम में आए हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर अत्यंत गर्व महसूस कर रहा है कि आज डॉक्टर त्रिलोचन जी महापात्रा जी आज हमारे बीच में हैं, हमारे साथ में हैं, अपना समय दे रहे हैं आज हमारे इस कार्यक्रम में। हम उनके प्रति बहुत आभारी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। इसी के साथ में कल और आज 2 दिन से भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री माननीय श्री बद्रीनारायण जी चौधरी उन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय कल से आज तक इस हमारे 2 दिवसीय कार्यक्रम में पूरा समय दिया। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय श्री जगपति राव जी, माननीय श्री भयोकर जी और यहाँ सभी हमारे आए हुए सभी सम्माननीय वैज्ञानिक बंधुओं, किसान बंधुओं, मातृशक्ति, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। कल वैसे इसके बारे में जानकारी थी लेकिन आज बहुत से ऐसे किसान हैं जो शायद भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के कार्यक्रम में पहली बार आए हैं। तो भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के संबंध में थोड़ा सा उनको जानकारी एक कम समय में देने का मैं प्रयास करता हूं कि 4 मार्च सन 1979 को भारतीय किसान संघ की स्थापना हमारे श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी इन्होंने एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में और केवल किसानों के लिए काम करेगा और केवल कुछ सीमित जिलों तक के लिए नहीं पूरा अखिल भारतीय स्तर के ऊपर इसका क्षेत्र रहेगा ऐसा लेकर के और 4 मार्च सन 1979 को भारतीय किसान संघ की स्थापना की। उसके बाद में ये काम इसका शुरू हुआ। संगठन का काम पूरे देश में चलता रहा। इसी बीच में उनको ऐसा समझ में आया कि अब ये जो किसानी है केवल देश तक सीमित नहीं है, अब ये दूसरे देशों यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इसका पहले जैसे उपयोग किया जाता था युद्धों में बॉम्ब्स का और इसका, अब ये एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय हो गया कि इसका और ये दास्ता के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है कुछ संपन्न देशों के द्वारा, ये उनको आभास हो गया और वो आभास देखते हुए उन्होंने उसकी तैयारी शुरू की। 1985 में उन्होंने भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की। उनका उद्देश्य था, उनको उस समय आभास हो गया था कि आने वाला जो समय है ये जो दास्ता का जो विषय रहेगा ये बौद्धिक रूप से एग्रीकल्चर के माध्यम से और ये एक अभियान चलेगा और इसकी तैयारी करने के लिए वैज्ञानिकों का, हमारे देश में वैज्ञानिक जो है उनकी योग्यता में कोई शंका नहीं थी या किसी को भी शंका नहीं। 1965 में जो क्रांति करके दिखाई गई यहाँ के वैज्ञानिकों ने और एक अद्भुत
काम करके दिखाया, इतनी बड़ी जनसंख्या, आज तीन गुनी जनसंख्या तब से लेकर के आज तक बढ़ गई है, इसके बाद भी आज हम सरप्लस प्रोड्यूसर हैं। तो ये वैज्ञानिकों किसानों को तो है ही है, मेहनत उन्होंने किया है, लेकिन ये वैज्ञानिकों का भी बड़ा भारी चमत्कार है। तो हमें उनकी विद्वत्ता पे कहीं कोई शंका नहीं थी। ठेंगड़ी जी ने उस समय यहाँ के वैज्ञानिकों की विद्वत्ता पहचानी और उनको लेकर के कि इनको हम कहीं एक मंच में लाएंगे और उनका उपयोग करना है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र आने वाले समय में, जो भविष्य में आने वाले, उसकी तैयारी करने की दृष्टि से, और उन्होंने भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की। शुरुआती दौर में इसका काम चलता रहा, लोगों को सर्व सामान्य रूप से समझ में नहीं आया किसानों की जो समस्याएं हैं एक्चुअली उसका टेक्निकल क्या है। जैसे यदि किसान से पूछा कि भाई आप क्या चाहते, कितना उसका मूल्य होना चाहिए, कितना MSP होना चाहिए, वो नहीं बता पाएगा, उसके लिए कोई ना कोई टेक्निकल लोग चाहिए। तो वो देखते हुए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ये सारी इसकी समय समय पर बैठकें चलती रही और फिर धीरे धीरे इसके ऊपर आया सन 2000 में और कृषि नीति की आवश्यकता आई, तो कृषि नीति तैयार की और कृषि नीति बिल्कुल निचले लेवल के ऊपर नीचे जा करके जिलों से उसकी जो फीडिंग लिया है और उसको लेकर के 2000 में और कृषि नीति की स्थापना की। लेकिन 2011 में फिर ऐसा लगा, 2012 में फिर ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा परिस्थितियां बदल गई हैं, उसको देखते हुए उसको फिर से रिवाइज होना आवश्यक है। तो 2012 से दो साल लगभग ये कृषि नीति का फिर से वही काम फिर से शुरू हुआ। 5 प्रांतों में पहले काम हुआ, फिर निचले जिलों में जाकर के वहां से फीडिंग लिया और उसके आधार के ऊपर एक विस्तृत ऐसा एक कृषि नीति तैयार की। इसी प्रकार से लैंड एक्विजिशन, लैंड लीजिंग के ऊपर भी ऐसे चल रहा था कि पहले जो परिभाषाएं थी उस समय वो लैंड लीजिंग की दूसरी थी, लेकिन फिर आवश्यकता बदल गई उसके। ये पहले बड़ी बड़ी जोत थी, पहले बड़ी बड़ी होल्डिंग्स थी, अब हो गई छोटी छोटी होल्डिंग्स, तो उसका दुरुपयोग ना हो उसको देखते हुए लैंड लीजिंग का एक बिल आना आवश्यक था। तो ये काम भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर ने हाथ में लिया, करीब 2 साल इसके ऊपर काम किया। ये भी ऐसे ही किया, पूरे पहले प्रांतों के अंदर गए, फिर उसके बाद जिलों के अंदर गए और एकदम नीचे से पूरा फीडिंग लेकर के, और फिर वो नीति आयोग के साथ में उसमें बैठक लिया और फिर मंत्रियों को इसके बारे में पूरा अवगत कराया और उसके ऊपर एक लैंड अपना जो लीजिंग का है वो भी लेकर आया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बहुत सी गलत फहमियां थी, उसके ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में काम किया, जगह जगह बैठके ली और एक फाइनल एक ड्राफ्ट बना करके नीति आयोग के साथ में उसको फाइनलाइज करके और मंत्रालय को प्रस्तुत किया। उसके बाद में ऐसा समझ में आया कि ये जो है केवल आप हमारे उत्पादन और बाजार में बेच रहा है यहाँ तक सीमित नहीं है। यदि हम यहाँ सब कुछ आत्मनिर्भर हो भी जाए तो भी किसान को उसका मूल्य दाम नहीं मिल पाएगा यदि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी उसके अनुकूल यदि न रहे। जैसे इस वर्ष हुआ, पिछले वर्षों में जो हुआ कि बाहर से जो दालें वगैरह जो बहुत बड़ी मात्रा में आयात हुई वो एक अलग किस्सा है कि क्यों हुई और उसकी वजह से जो एकदम से रेट्स डाउन हो गए, तो वो तब समझ में आया कि ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है एग्रीकल्चर के हिसाब से होना चाहिए। इसका भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसका काफी अध्ययन किया, जिसमें बैठकें ली नीति आयोग के साथ में बैठकें हुई और उसके बाद में और इसका पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करके उनसे संपर्क करके और फिर ये अपने गवर्नमेंट को अपने प्रस्तुत किया। उसमें मंत्रालय ने भी इसमें काफी रुचि दिखाई, कई बार तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो जाते थे तो वहां से उनकी सूचना आती थी और वो सारी दे करके और आज ये अपना ड्राफ्ट तैयार है, इसके ऊपर बहुत जल्दी इसके ऊपर विचार होने वाला है। इसी प्रकार से भूमि सुधार, पहले क्या था कि भूमि सुधार एक 67 के जो 60 के दशक में इसका एक बड़ा एक गलत उपयोग किया गया। भूमि सुधार का मतलब ये था कि किसान की भूमि छीनना और नाम दिया गया उसका भूमि सुधार, एक्चुअली सुधार नहीं होता था, वो भूमि छीनने का एक बहुत बढ़िया एक व्यवस्था बनाई गई थी। तो लेकिन आज का भूमि सुधार ये अलग विषय है, इसके ऊपर भी भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर ने वास्तव में ये विषय था ये केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को दिया गया था, लेकिन राज्य सरकारों ने इसमें कोई रुचि नहीं लिया, सेक्रेटरीट में वो सारे वो उनके विषय वैसे ही पड़े हुए थे। एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर ने वो राज्यों के द्वारा और वहाँ पूरा स्वयं तैयार करके उनको दिया, उनके द्वारा आगे भिजवाया और वो भूमि सुधार उसमें कोई दुरुपयोग ना हो सके इसलिए वो आज ठंडी बस्ती में वहाँ पड़ गई। इस प्रकार के ऐसे काम समय समय के ऊपर चलते रहे हैं और उसके इसके साथ साथ में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी, उसमें जैसे GM सीट के बारे में आया तो भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से, भारतीय किसान संघ की तरफ से वहाँ प्रतिनिधित्व हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके बारे में वहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व दिया और उसके वजह से ये सारे विषय वहाँ हुए और वहाँ उन्होंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दिया कि नहीं ये अपने अभी देश के लिए अनुकूल नहीं है और उसके बाद में उसको भी उसके ऊपर रोक लगा दी गई। तो इस प्रकार के ऐसे ये जो काम है भारतीय किसान संघ, भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर और ये देश के सारे किसान, सारे वैज्ञानिक, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही संभव हो सका है।
तो ये सारा ये कार्य चल रहा है। भारतीय किसान संघ एक मास ऑर्गेनाइजेशन है और भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर एक ये टेक्निकल उसी का एक स्वरूप है। इसके द्वारा और ये सारा का सारा ये काम चल रहा है। तो इसके लिए मैं फिर से सारे सभी किसान बंधुओं को और यहाँ के वैज्ञानिक बंधुओं को जो यहाँ पर है उन्होंने इसमें जो सहयोग किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये काम उनके सहयोग के बिना संभव ही नहीं था। उन्होंने बहुत समय दिया है, यानी यहाँ तक कि हम लोग जैसे बैठ के लेते थे वो स्वयं फ्लाइट से आते थे, इतना स्वयं का खर्च किया है हमारे। क्योंकि टी ए डी है तो सार्वजनिक काम है तो इसमें तो कोई टी ए देने का सवाल ही नहीं, लेकिन अपना पैसा खर्च करके कहीं भी बैठ के ले हम लोग को पालनपुर हिमाचल प्रदेश में बैठक हुई तो भी वैज्ञानिक वहां पहुंचे हैं, कोयम्बटूर में नीचे दक्षिण में बैठक हुई तो भी वहां वैज्ञानिक बंधु पहुंचे हैं। स्वयं का पैसा खर्च करके और वैज्ञानिक बंधु वहां आते हैं और हमको समय समय पर पूरा मार्गदर्शन देते हैं, पूरा सहयोग देते हैं। मैं उनके सारे के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम चल रहा है इसके संबंध में अभी 3 सत्र हमारे हुए हैं। कल ये बीज के बारे में, बीज पॉलिसी कैसी आना चाहिए, एक हमारा है 2004 से ये बिल पड़ा हुआ है, काफी प्रयास किया, अनेक सरकारें बदल गई, उसमें कुछ लोगों के शायद हो सकता है वेस्टेड इंटरेस्ट हो, लेकिन सवाल ये पूरे देश का है और देश छोटा मोटा देश नहीं है। आज भी हमारी लगभग 60% आबादी एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है और इतना इंपॉर्टेंट ये बिल आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हम सभी किसान बंधुओं को, सभी वैज्ञानिकों को ये बनता, हमारा दायित्व तो बनता कि हम इसमें जितना भी बन सके इसमें तैयारी करके, लेकिन क्या दें उसके लिए आज ये 2 दिन का ये जो बैठक आयोजित की गई है कि हम पूरा सीट पॉलिसी बना करके, हम गवर्नमेंट से बात करके, नीति आयोग के साथ में चर्चा करके और इसको सबमिट करके इसको हम ये बिल जल्दी से जल्दी आए, कम से कम इस वर्ष वो पास हो जाए और लागू हो जाए। ये जो आज दुरुपयोग हो रहा है, जो बीजों में जो चीटिंग हो रही है किसानों के साथ, इसको रोकना बहुत जरूरी है और लॉन्ग टर्म एक ऐसा पॉलिसी बने, इस दृष्टि से देखते हुए ये 2 दिन का हमारा ये एक सत्र भी अपन ले रहे हैं। इसमें 3 सत्रों में इसको विभाजित किया। पहला सत्र था कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीड, यानी बीजों की उपलब्धता। तो ऐसा रहा है, ये देखने में ऐसा आया है कि बीजों की उपलब्धता ही नहीं हो पाती, किसानों तक पहुंच नहीं पाता। उसमें कई बार ये होता कि बीज मिल भी जाता है तो पता लगा वो बोनी शुरू हो गई, उसके बाद में फिर वो टेंडर बुलवा रहे हैं, उसके बाद में वो काम चल रहा है और उसकी वजह से समय के ऊपर किसानों को बीज नहीं मिल पाता। जो पुराना बीज है, जो नकली टाइप के जो बीज आते हैं बाजार में मिलते हैं, महंगे दामों में मिलते हैं, उसके लिए मजबूर हो जाता किसान। जब तक बीज अच्छा नहीं होगा खेती अच्छी नहीं कर सकता, किसान को उसका मूल्य नहीं मिल सकता अच्छा, जब तक अच्छा बीज ना हो। और ये सब देखते हुए और ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ सीड में इन सारी बातों के ऊपर विचार हुआ। इसमें ऐसा देखा गया कि गोदामों की भी कमी रही, उसकी वजह से भी पहले से बीज नहीं आए। पॉलिसी मेकर्स को इसके बारे में, जो बनाने वाले हैं पॉलिसी, उनको इसके बारे में सजग, स्वयं सजग होना पड़ेगा। हाइब्रिड के बारे में ऐसा जानकारी हुई कि जो हाइब्रिड सीड जो अवेलेबल है उसका 90% जो है ये प्राइवेट कंपनीज तैयार करती है। गांव में जो पारंपरिक बीज है उसका सदुपयोग कैसे हो, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे हो और वो बीज जो है उसका लोगों को कैसे अवेलेबल हो, इसके बारे में जो 3रा सत्र अभी जो हुआ उसमें अभी आप लोग सब देखा है उसमें कि मध्य प्रदेश में जो सीड सोसाइटियों के माध्यम से और इसका जो बीज उपलब्ध कराया गया, तो मध्य प्रदेश में आज ऐसी बहुत बड़ी ऐसी समस्या जो अपना जनरल बीज है जैसे गेहूं है, चना है, मसूर है, इसके बारे में कोई ऐसी समस्या नहीं रही। ये अखिल भारतीय, अभी मुझे भी मालूम नहीं था कि शायद दुनिया में इस प्रकार की ऐसी सीड उत्पादन करने वाला जो है ये अकेला मध्य प्रदेश आज ये सोसाइटियों के माध्यम से सप्लाई कर रहा है, वो अकेला एक ऐसा प्रदेश है, मुझे भी जानकारी नहीं थी, आज मालूम हुआ। तो ये सारे यदि अन्य प्रदेशों में भी ये योजना यदि लागू हो जाए तो किसानों को समय के ऊपर ही उपलब्धता हो जाए। एनएससी और ये सारे जो है इनके भी अपने वो समस्याएं रहती है, उनकी टेक्निकल समस्याएं हैं कि जो लोएस्ट टेंडर वगैरह के जो माध्यम से जो आता है तो उसमें अच्छा बीज नहीं आ पाता, तो वो सारी बातें उन्होंने भी अपनी सब बातें रखी और इस प्रकार से ये सीड अवेलेबिलिटी के बारे में चर्चा हुई। दूसरे सत्र में सीड सप्लाई के बारे में आया, तो कल यहाँ एनएससी के हमारे बोर्ड साहब आए थे, उन्होंने बताया कि हमारे पास में बीज की कोई कमी नहीं, जितना आपको चाहिए पूरा है बल्कि बच रहा है, ये उनका कहना था। किसानों का कहना था कि हमें बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं जो गैप है वो गैप कैसे पूरा करना, उसके संबंध में पूरा सत्र कल
ये पूरा सत्र चला। अपन चाहते कि इनपुट कॉस्ट में हाई यील्ड कैसे आए, ये किसानों की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है और इसके बारे में चर्चा हुआ और उसमें यही उन्होंने दिया कि इसके बारे में जो एमओयू यदि हो जाए राज्यों के साथ में, वो होता क्या है कि जैसे राज्य पहले ऑर्डर दे देते हैं और बाद में फिर जब बीज तैयार हो जाता है फिर लेने नहीं आते, तो वो बीज यहाँ पड़ा रह जाता, फिर एक साल पुराना वो, तो उसमें जर्मिनेशन की समस्या आ जाती है। तो इसके लिए यदि एमओयू हो जाएंगे तो एक तो वो बाध्य हो जाएगा वो राज्य खरीदने के लिए, यदि किसी कारण से यदि नहीं खरीदता तो उनको उसके बारे में कंपनसेशन एनएससी को देना पड़ेगा। यदि इस प्रकार के ऐसे सुझाव उन्होंने दिए हैं, गवर्नमेंट को भी दिए हैं करके चर्चा में सारी बातों की पूरी चर्चा हुई। बीज की प्राइसिंग के बारे में भी चर्चा हुई कि जो हाइब्रिड वगैरह है काफी महंगे आते हैं, हालांकि उनकी लागत भी उसी अनुपात में बहुत ज्यादा रहती है, इसका क्या निदान कैसे निकल सकता है कि वो उनका भी प्रॉफिटेबिलिटी बने रहे, उनका जो रिसर्च वर्क चल रहा है उसमें भी कोई कमी ना आए और एक अच्छे कम से कम जो दाम मिल सकते हैं उस दाम में और किसानों को वो उपलब्ध हो जाए कम से कम दाम में, ताकि एक अच्छे बीज किसानों को उपलब्ध हो, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी प्रभावित ना हो, ऐसा सब ये बातें देखते हुए प्राइसिंग के बारे में भी चर्चा हुई। और अभी तीसरा तो अभी आपके सामने ये सत्र आया, इस प्रकार से अभी अपना ये तीन सत्रों में ये हुआ है और इसी प्रकार से आगे भी हमें आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। मैं इतना कह के मैं अपनी बात समाप्त। ये सवेरे के सत्र में एक बहुत अच्छा पॉइंट आ गया था, ये ओपन पॉलिनेटेड सीड्स और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का। ओपन पॉलिनेटेड इसमें फार्मर बहुत अच्छे से कर रहे हैं और कुछ कुछ जैसे पॉकेट्स बनाए गए हैं उसमें हाइब्रिड प्रोडक्शन भी अच्छे से हो रहा है, लेकिन सब लोगों का ऐसा मानना था कि अगर फार्मर्स को कुछ थोड़ा सा प्रशिक्षण और कुछ पैसों की अगर व्यवस्था की जाए तो कुछ आइडेंटिफाइड क्रॉप्स में और आइडेंटिफाइड पॉकेट्स में हाइब्रिड प्रोडक्शन भी उनका काफ़ी अच्छे से हम उनको प्रमोट कर सके और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोकल लेवल पे करने के लिए कुछ रेगुलेशंस या कुछ मेथड बनाए जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे एक सवाल एक थॉट प्रोसेस आया था। और दूसरा ये था, उसमें अभी थोड़ा मंथन की आवश्यकता है कि ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन में ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन ये भी एक विषय है, इसके बारे में अभी ज़्यादा चर्चा हो नहीं रही है देश लेवल पे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन उसके लिए प्रोडक्शन ऑफ सीड्स जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है और इसके लिए कोई मापदंड भी नहीं बने हैं, तो ये भी एक विषय उभर के आया था। ये दो विषय बाकी तो प्रमुख जी कवर कर चुके हैं। मैं अभी डॉक्टर राजेंद्र वेलकर सर से निवेदन करूंगा कि वो दो दिन तो उस पर अपना मंथन सामने रखे उद्बोधन करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और डायरेक्टर जनरल डॉक्टर त्रिलोचन जी मोहपात्र, श्री जलपत राव जी, श्री बद्री नारायण चौधरी जी, श्री प्रमोद चौधरी जी, यहाँ उपस्थित सभी वैज्ञानिक और मेरे किसान भाई, मैं यहाँ करीब करीब कल से जो भी सत्र इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा जिस पे हुई उसमें वे एक त्रस्त के नाते, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया कि मैं कृषि क्षेत्र से नहीं हूँ, इसीलिए एक त्रस्त के नाते मैं ये सारी चर्चा सुन रहा था, तो और एक स्पॉन्सरर के नाते मुझे क्या लगता है ये मैं यहाँ बात रखना चाहता। चर्चा तो बहुत अच्छी हुई, लोगों ने अपने मन की बात यहाँ रखी, लेकिन और आपके जो प्रश्न है वो भी आपने यहाँ रखे, लोगों ने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस विषय में ऐसा लगता है कि बात रखना और पॉलिसी के लिए डॉक्यूमेंट करना तैयार करना ये दोनों बहुत भिन्न भिन्न बातें हैं, जिसको हम अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा शब्द है
कि आपके मन में कहानियां तो है, अंग्रेजी में दो चीजें, एक एनेक्डोट और एक स्टोरी। एनेक्डोट यानी जो हुआ वही है, और स्टोरी उसको अच्छे से बताने के लिए उसको जोड़ना पड़ता है, जिसको आर्टिकुलेशन बोलते हैं, ताकि सारे लोगों को वो समझे। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जब भी बनता है तो उसका आर्टिकुलेशन अच्छे तरह से होना जरूरी होता है। अब ये एकदम नई पॉलिसी बन रही है तो आपको आपके दिमाग से वो सारी चीजें लानी पड़ती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट की इसके ऊपर पॉलिसी बनी हुई है। तो हमारा काम ये है कि जिसकी एक साइकिल होती है, वो साइकिल को हमको अच्छे ढंग से समझ के फीडबैक लेके, जैसा मैं समझता हूँ कि ये फीडबैक आपके तरफ से आया है। अब ये फीडबैक आने के बाद में हमारा काम यह था कि हमारा पर्पज ही ये है कि हमारी जो पॉलिसी बनी हुई है इसमें गैप्स क्या क्या है, ताकि हम वो गैप्स को फुलफिल करें। 100% सॉल्यूशन हमारे डाइवर्सिफाइड कंट्री में कोई भी वक्त मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता है। वो कब मिल सकता है? जब हम एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेटेड वे में सॉल्यूशन को ढूंढेंगे तो ही मिलेगा। ये नहीं होगा कि मैं ही करूंगा या मोनोपोली वे से मैं करूंगा। मोनोपोली का जमाना ही चले गया है। अभी कोई भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको 99.99% में मोनोपोली अभी शब्द चले गया है। अभी अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि उसमें पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए इकोनॉमिक।